अमरजीत भगत के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड पांचवें दिन भी जारी रही। रायपुर में इनकम टैक्स के अधिकारी भगत के ठिकानों पर दस्तावेज खंगालते रहे। अंबिकापुर में भगत के ठिकाने और करीबियों के यहां जारी रेड पांचवें दिन खत्म हो गई है। आयकर विभाग के अधिकारियों की टीम रवाना हो गई है। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई बताया है। दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। ईडी सीबीआई आईटी के जरिए बदनाम कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भावना से काम कर रही है क्योंकि उनको पता है ईडी आईटी इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का प्रयास किए विधानसभा चुनाव से पहले। अब लोकसभा चुनाव सामने है तो हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे कार्यकर्ताओं को सेंट्रल के एजेंसी और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर डराने का काम कर रही है। मतलब समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी डरी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।